एक इंसान के पास दो तरह की पावर्स होती है, मेंटल पावर जो इस पैरालाइज्ड साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग के पास थी, जहां एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू लेवल 19 से 115 के बीच होता है, वहीं स्टीवन हॉकिंग का आईक्यू लेवल 160 था, मतलब वेरी हाई से भी ऊपर। और दूसरी पावर होती है फिजिकल पावर, जैसे ग्रेट काली, बिग शो या फिर सिंघम का बाजीराव। लेकिन क्या हो अगर किसी क्रिएटर के पास ये दोनों पावर्स एक साथ हो, मतलब मास्टरमाइंड, बेस्ट डिसीजन लेने वाला दिमाग हो और अंडर प्रेशर भी निडर अंदाज में खेलने वाली पावर। वैसे एक मास्टरमाइंड इंसान तो वही होता है जो ठीक वक्त पर सही फैसला करे, और ये स्किल दुनिया का कोई टीचर और ना ही कोई यूनिवर्सिटी सिखा पाती है, बल्कि ये तो गॉड गिफ्टेड होती है भाई साहब। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, धोनी ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही अपनी मास्टरमाइंड स्किल्स दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। ये बात है 2007 के T20 वर्ल्ड कप की, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा T20 मैच टाई हो जाता है और फैसला स्टंप्स को हिट करने पे आ जाता है। दोनों टीम्स के 5 बॉलर्स को एक एक बॉल स्टंप को हिट करना होती है और फिर धोनी अपना कमाल दिखाते हैं। धोनी स्टंप्स के बिल्कुल सीधा पीछे बैठ जाते हैं और बॉलर को अपने से सीधा बॉल डालने का बोलते हैं, जिससे बॉलर बड़ी ही आसानी से विकेट को हिट कर पाते हैं और इंडियन सभी बॉलर विकेट को हिट भी कर लेते हैं, जबकि पाकिस्तानी विकेट कीपर कामरान अकमल विकेट से दूर खड़े रहते हैं और कोई भी पाकिस्तानी बॉलर विकेट को हिट ही नहीं कर पाता। धोनी की इसी मास्टरमाइंड टेक्निक की वजह से इंडिया वो मैच जीत जाता है। वैसे विकेट पर खड़े बल्लेबाज का माइंड पढ़ना भी धोनी से बेहतर किसी को नहीं आता होगा, और ये भी धोनी की एक बेहतरीन स्किल थी जो धोनी ने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे इस मैच में दिखाई थी, जब अफरीदी सचिन के ओवर में अग्रेसिव बल्लेबाजी कर रहे थे। तो चौथी बॉल डालने से पहले धोनी सचिन को वाइट बॉल डालने का इशारा करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि अफरीदी क्रीज से निकलकर छक्का लगाने की कोशिश करेंगे। बस फिर क्या, सचिन वाइट बॉल डालते हैं जिसे अफरीदी क्रीज से निकलकर खेलने की कोशिश में मिस कर जाते हैं और धोनी स्टंप्स को गिरा देते हैं। वैसे दोस्तों, आपने क्रिकेट में रिकी पोंटिंग, संगाकारा और डेनियल बुटोरी जैसे कई बेहतरीन कप्तानों को देखा होगा, लेकिन ये वाली स्किल ना शायद किसी में नहीं थी और ना ही आपने किसी को कभी ऐसा करते देखा होगा, जैसे 2020 के आईपीएल एडिशन में दिल्ली और चेन्नई के दरमियान चल रहे इस मैच में धोनी ने किया था, जब ऋषभ पंत 38 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो 18वां ओवर शुरू होने से पहले धोनी रेत को हवा में फेंक कर हवा की डायरेक्शन चेक करते हैं और ऋषभ पंत के लिए इनकी लेग साइड पर एक फील्डर लेकर बॉलर को वहीं बॉल डालने का बोल देते हैं, और पहली ही बॉल पर ऋषभ पंत छक्का लगाने की कोशिश में उसी फील्डर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं जनाब, जो धोनी ने हवा की डायरेक्शन चेक करके लिया था। अब इसे कहते हैं ना बल्लेबाज का दिमाग पढ़ना। अरे ये तो थी धोनी की मास्टरमाइंड स्किल्स, अब जरा इनकी इनोवेटिव स्किल्स भी देख लेते हैं। धोनी एक ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट में पावर हिटिंग और विकेट कीपिंग को एक नया रुख दिया था। इनसे पहले क्रिकेट में यॉर्कर डिलीवरी का बल्लेबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था, मगर धोनी तो इसका तोड़ गली क्रिकेट से ही सीख कर आए थे। गली क्रिकेट में उन्होंने अपने एक दोस्त से यॉर्कर बॉल को छक्का मारना सीखा था, और जब पहली बार इसे पाकिस्तान के खिलाफ आजमाया तो कामयाब नहीं हो पाए, मगर जब दूसरी बार उसी अंदाज में छक्का मारा तो कमेंटेटर्स ने इस शॉट को हेलीकॉप्टर का नाम दिया, और अब शॉट का इस्तेमाल क्रिकेट में अक्सर होता है। विकेट कीपिंग में भी अभी तक धोनी को टक्कर देने वाला कोई विकेट कीपर नहीं आया जनाब, इनके स्पीडी स्टंपिंग के सामने तो सब खत्म है। वो अभी तक टोटल 800 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में 195 यानी सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को स्टंप आउट कर चुके हैं, और एक ही मैच में सबसे ज्यादा 5 बल्लेबाजों को आउट करने का रिकॉर्ड भी धोनी के ही नाम है। लेकिन ये सब छोड़ो, कीपर खड़े रहकर धोनी ने जो अपने इनोवेटिव अंदाज में बल्लेबाजों को आउट किया है ना, उसकी तो क्या ही बात है। जैसे इस कीवी बल्लेबाज को एक तीर से 2 शिकार, या फिर ये ब्लाइंड रन आउट वाला काम भी तो सबसे पहले धोनी ने ही करके दिखाया था। भाई धोनी के बारे में जब भी बात होती है तो एक चीज सबसे पहले हमारे माइंड में आती है, कूल एंड कॉन्फिडेंट। वो अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी कूल रहते थे, ना तो जीत को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे और ना ही हार को लेकर ज्यादा इमोशनल, इसीलिए तो इन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। लेकिन जहां बात इनके कॉन्फिडेंट की आती है ना, वहां DRS को भी धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है भाई साहब, क्योंकि धोनी के लिए गए रिव्यूज 95% दुरुस्त ही साबित होते थे। इवन कई बार तो धोनी अंपायर की उंगली उठाने से पहले ही रिव्यू का इशारा कर दिया करते थे, जैसे इस वीडियो में देखिए, जब युवराज सिंह को अंपायर आउट देता है और अंपायर की उंगली उठने से पहले ही धोनी का हाथ रिव्यू के लिए चैलेंज कर देता है, और फिर क्या, अंपायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ जाता है।
जी हाँ, वो धोनी ही हैं जिनके सामने अंपायर्स को सबसे ज्यादा अपने फैसले वापस लेना पड़े, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान हो या फिर आईपीएल। ये तो हो गई धोनी की मेंटल पावर, अब जरा इनकी फिजिकल पावर के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई साहब, क्योंकि इसी स्किल की वजह से तो धोनी को फिनिशर कहा जाता है, जो 17 टाइम आखिरी बॉल पर छक्का मारकर मैच जीत चुके हैं। और छक्का भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इनके टिपिकल अंदाज से लगाई गई पावर हिट अक्सर बाउंड्री से नहीं बल्कि मैदान से ही बाहर जाके गिरती थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आखिरी चार गेंदों पर 12 रन की जरूरत थी, तो धोनी का लगाया गया ये 119 मीटर लंबा छक्का देखिए। या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया गया ये नो लुक स्टाइल में 112 मीटर लंबा छक्का। आप जरा धोनी के कैरियर का लगाया गया ये सबसे लंबा छक्का देखिए, जब श्रीलंका के खिलाफ वो छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं और छक्का भी मैदान से बाहर कहीं दूर जा गिरता है। धोनी के पास ही पावर थी 1.34 बिलियन लोगों के ख्वाबों को सच करने की। धोनी के पास ही पावर थी एक ही ओवर में 22 रन मारकर मैच जीतने की। धोनी के पास ही पावर थी 36 की एज में भी 26 के यंग खिलाड़ी को रनिंग में पीछे छोड़ने की। और धोनी के पास ही पावर थी ट्रॉल करने और स्लैजिंग करने वाले खिलाड़ियों को मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन ये मत भूलिएगा, इस सब के साथ धोनी एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन और एक ग्रेट लीडर भी थे। एक ऐसा लीडर जिसने इंडिया को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए। विराट कोहली को मौका देकर किंग कोहली बनाया और रोहित को मिडिल ऑर्डर से ओपनर करके हिटमैन बनाया। 2007 में युवराज सिंह के लगाए गए 6 छक्के हों या 2010 में सचिन की पहली डबल सेंचुरी हो या फिर 2013 में रोहित शर्मा की पहली डबल सेंचुरी, इन सभी में एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि दूसरी साइड पर महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे। दोस्तों, धोनी का कैरियर हम सबके लिए किसी लाइफ लेसन से कम नहीं है। हर अचीवमेंट पर जश्न मनाना या फिर हार पर मायूस होना धोनी का स्टाइल नहीं था। वो ना तो अपने लिए खेलते थे और ना ही स्टैंड्स में बैठे क्राउड के लिए, बल्कि वो खेलते थे अपने देश के लिए। इसीलिए तो वो इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान है। अगर आपने भी धोनी की स्ट्रगल, इनकी अचीवमेंट या इनकी लाइफ से कुछ सीखा है तो कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।